अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना 19th लेक्चर, जिसके अंदर हम कंस्ट्रक्टर्स को बेसिक से लेकर एडवांस तक अंडरस्टैंड करेंगे। लास्ट टाइम हमने ऊप को अंडरस्टैंड किया था। चलें स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कंस्ट्रक्टर्स होते क्या हैं। बेसिकली कंस्ट्रक्टर्स एक स्पेशल मेथड की तरह होते हैं। जिस तरह आप एक मेथड क्रिएट करते हो, इसी तरह ये एक फंक्शन सॉरी एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो रहा होता है। अब कंस्ट्रक्टर में होता क्या है, कंस्ट्रक्टर किस तरह क्रिएट होता है। जैसे ही आपने माई क्लास क्रिएट की, मतलब कोई भी क्लास क्रिएट करते हो, अगर उसका आपने कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है, वो किस तरह करेंगे। सिंपली आप उस क्लास का नेम लिख के आगे पैरेंथेसिस लगा देंगे और आगे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर क्रिएट क्यों करते हैं और कॉल कब होता है, पहले तो देखते हैं कॉल कब होता है। कंस्ट्रक्टर कॉल तब होता है जब आप जो क्लास क्रिएट की है उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं मेन के अंदर जाके। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मेन के अंदर जाके, तो साथ ही क्या होगा, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। और कंस्ट्रक्टर हम यूज क्यों करते हैं, कंस्ट्रक्टर बेसिकली हम करंट वैल्यूज को इनिशियलाइज करने का काम आ रहा होता है, ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को। जो ऑब्जेक्ट हमने क्लास का क्रिएट किया है उसके एट्रीब्यूट्स को क्या करना है, हमने इनिशियलाइज करना है। तो इसलिए हम कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं ये वर्क किस तरह करता है। तो देखें यहाँ पे माई क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ओबीजे के नेम से, न्यू कीवर्ड को यूज करते हुए। जैसे ही न्यू कीवर्ड को यूज करते हुए मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, साथ ही जो पैरेंथेसिस लगी हैं ये बेसिकली किस चीज के लिए यूज हो रही है, कंस्ट्रक्टर के लिए यूज हो रही है। यहाँ कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल चेक करते हैं। इस जगह पे जैसे क्लास हेलो, एक क्लास बनाई हेलो के नेम से, इसके अंदर स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल ले लिया मैंने। तो अब मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो जैसे हेलो क्लास है वैसे ही मैंने सेम क्या कर दिया, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया। और जो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल था नेम, उसके अंदर मैंने दी कैक्स स्टोर करवा लिया, स्ट्रिंग स्टोर करवा ली। तो दिस क्यों यूज किया, दिस डॉट नेम क्यों यूज किया, बेसिकली जो दिस कीवर्ड होता है ये करंट वैल्यूज को स्टोर करवाने के काम आ रहा होता है। सही है, यहाँ पे करंट दी कैक्स स्टोर हो रहा है, तो हम इसको दिस कीवर्ड के थ्रू हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद अब मेन फंक्शन के अंदर आएंगे। मेन फंक्शन के अंदर अब ये कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, इसकी हमने वैल्यूज प्रिंट करवानी, किस तरह करवा सकते हैं। तो हेलो ओबीजे न्यू हेलो के थ्रू हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। साथ ही ये कंस्ट्रक्टर हमारे पास, ये जो पैरेंथेसिस लगी हुई ये कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, ये कॉल हो गया। जैसे ही कॉल हुआ उसने दिस के थ्रू नेम के अंदर क्या कर दिया, दी कैक्स स्टोर करवा दिया, ठीक है, दी कैक्स स्टोर हो गया नेम के अंदर। अब नेम के अंदर दी कैक्स पड़ा हुआ है, उसको हमने प्रिंट करवाना है। तो जो हमारे पास ये नेम है स्ट्रिंग टाइप का, ये क्लास एट्रीब्यूट है, तो उस क्लास का एट्रीब्यूट है, इसको हमने मेन के अंदर एक्सेस करना है। किस तरह करेंगे, डॉट ऑपरेटर के थ्रू। डॉट ऑपरेटर के थ्रू एक्सेस करेंगे, जिस नेम से मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, उसको ऑब्जेक्ट डॉट नेम, क्योंकि उस क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट ओबीजे बनाया है, उसी ऑब्जेक्ट को के साथ डॉट ऑपरेटर लगाएंगे और उस एट्रीब्यूट को एक्सेस कर लेंगे। तो अब ओबीजे डॉट नेम किया तो हमारे पास क्या होगा, दी कैक्स प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारे पास सिंपल सी इसकी वर्किंग है। आगे इसकी कंस्ट्रक्टर की कुछ टाइप्स भी हैं, ठीक है, वो भी देखते हैं। तो जो ये कंस्ट्रक्टर है, ये हमारे पास नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर हमने यूज किया है, क्योंकि इसके अंदर हेलो के अंदर यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्ट आर्गुमेंट हमारे पास पास नहीं हो रही, ठीक है, कोई पैरामीटर्स पास नहीं हो रहे। आगे कंस्ट्रक्टर आएगा उसमें पैरामीटर्स ही पास होंगे। तो ये मैं पहले बता देता हूँ आपको, क्योंकि ये नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब इसकी टाइप्स क्या क्या हैं, इसके अंदर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, एक नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर होता है, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है। सबसे पहले चेक करते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। बेसिकली आप जब प्रोग्राम के अंदर कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करते, तो कंपाइलर क्या करता है, जैसे ही आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, वो ऑटोमेटिकली बैकएंड पे क्या कर देता है, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता है। देखिए इस चीज में देखें कि यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, ठीक है, तो हेलो क्लास हेलो की है, इसके अंदर डायरेक्ट मेन के अंदर आए हुए हैं और ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है हेलो का। तो यहाँ पे जैसे ही कंपाइल किया इसको आपने, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे उसने हेलो का बैक एंड पे क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया कंस्ट्रक्टर, और उसको आगे जाकर कॉल कर रहा है। तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, सही है, इसको आप नहीं क्रिएट करते तो कंपाइलर क्रिएट कर देता है। नेक्स्ट चलते हैं, अब देखते हैं हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज से पता चल रहा है, जिस तरह आप फंक्शंस यूज करते हो पैरामीटराइज, उसमें फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स पास करते थे, इस तरह कंस्ट्रक्टर के अंदर आप पैरामीटर्स पास करोगे। चेक करें, एक क्लास बनाई हुई है हमने एम्प्लॉय के नेम से,
तो इसके अंदर एक मैंने इन टाइप का एम्प्लॉय आईडी ले ली, एक स्ट्रिंग नेम के हमने लिया एम्प्लॉय नेम ले लिया। तो इसके अंदर हमने अब इनका आईडी और नेम सेव करवाना है हमने कंस्ट्रक्टर के थ्रू। तो जो अब पहला कंस्ट्रक्टर बनाया एम्प्लॉय के नेम से, ठीक है, ये वाला कंस्ट्रक्टर बनाया, ये वाला अब कंस्ट्रक्टर के अंदर इंट आईडी पास हो रहा है और नेम पास हो रहा है, आईडी और नेम पास कर दिया कि दो पैरामीटर्स पास कर रहे हैं हम। तो फर्स्ट इंट टाइप का, सेकंड स्ट्रिंग टाइप का। तो दिस कीवर्ड को यूज करता हुए मैं आईडी सेव करवा दी एम्प्लॉय आईडी के अंदर और नेम के अंदर नेम स्टोर करवा दिया। तो ये कंस्ट्रक्टर यहां तक क्रिएट हो गया। अब इसको कॉल करना है, कॉल करना है, इसके नेम देने हैं डिफरेंट। तो क्या करते हैं, अब स्टोर करवाने के बाद इसको प्रिंट भी करवाना है। प्रिंट करवाने के लिए एक मैंने फंक्शन बना दिया void info के नेम से। तो सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंट एलन, तो एम्प्लॉय आईडी ये और एम्प्लॉय नेम यहां पे प्रिंट करवा देगा। तो यहां पे प्रिंट कैसे करवाएगा, क्योंकि यहां पे जो वैल्यू स्टोर हो रही है, यहां पे एम्प्लॉय के आईडी के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएंगी जब कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, तो यहां पे आके प्रिंट हो जाएंगी। मेन के अंदर आते हैं, मेन के अंदर चेक करते हैं, यहां पे चेक करें एम्प्लॉय आईडी ऑब्जेक्ट वन बनाया और ऑब्जेक्ट टू बना लिए, दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं ताकि आपको उसका डिफरेंस पता चल जाए। जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है इसके अंदर चेक करें, फर्स्ट इंडेक्स पे हम इसको जो कंस्ट्रक्टर के अंदर है इंट टाइप वैल्यू पास कर रहे हैं, सेकंड के अंदर हम स्ट्रिंग टाइप। तो कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स भी इस तरह थे, चेक कर लें यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में, यहाँ फर्स्ट इंट था, सेकंड स्ट्रिंग था। तो पहले हम इंट पास किया और स्ट्रिंग पास किया, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो जैसे ही हमने इसको क्रिएट किया ऑब्जेक्ट को, ये कॉल हो गया ऑटोमेटिकली। जैसे ही कॉल हुआ, ठीक है, यहाँ पे आके उसने ये वैल्यूज आईडी के अंदर आके उसने ये आईडी रख दी और नेम के अंदर आके अली का नेम रख दिया, सही है। तो सेकंड जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसी तरह दोबारा उसने जाके वहां पे वैल्यूज स्टोर कर दी दो ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। अब ये वैल्यूज प्रिंट करवानी है, प्रिंट कैसे किस तरह होंगी ये मैंने बताया हुआ है आपको। ऑब्जेक्ट फंक्शन को किस तरह एक्सेस करते हैं हम आके मेन के अंदर, तो अब वाइड इन्फो के अंदर हम इसको प्रिंट करवा रहे हैं। ओबीजे वन लिखा, डॉट इन्फो लिखा, डॉट ऑपरेटर के साथ हम इन्फो को, इन्फो फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, सही है। फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्ट टू को यूज करते हुए इन्फो फंक्शन को हमने क्या किया, कॉल किया। तो गाइज ये अब आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट हम जिस तरह हम फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ी थी हमने, ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग पढ़ी थी, अब देखते हैं हम कंस्ट्रक्टर के अंदर ओवरलोडिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जी हाँ, कर सकते हैं। ओवरलोडिंग किस तरह कर सकते हैं, जिस तरह हमारे पास वहां पे क्या होता था ओवरलोडिंग के अंदर रूल्स क्या होते हैं, मेथड्स के अंदर जो ओवरलोडिंग के रूल्स थे कि पैरामीटराइज क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए पैरामीटराइज। तो मतलब कि अगर एक फंक्शन के अंदर सम फंक्शन है, उसके अंदर आपने फर्स्ट फंक्शन के अंदर एक इंट टाइप की वैल्यू पास करवाई है, नेक्स्ट के अंदर आप दो पैरामीटर पास करवा रहे हो, थर्ड के अंदर आप तीन पैरामीटर्स पास करवा रहे हो, नंबर ऑफ पैरामीटर्स उनकी टाइप, ठीक है, और इंडेक्स भी डिफरेंट होना चाहिए उनका। यहाँ पे चेक करें, जो फर्स्ट कंस्ट्रक्टर है हमने क्रिएट किया, इसके अंदर कोई वैल्यू हमने पास नहीं की, ठीक है, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है। नेक्स्ट हमने आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर यूज किया, इसके अंदर स्ट्रिंग टाइप का मैंने वैल्यू पास करवा दिया, सही। फिर नेक्स्ट चेक किया मैंने डेमो इंट का कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे ये उसको कैसे पता चलेगा, अगर आपने एक ही ऑब्जेक्ट बनाया उसके अंदर एक ही वैल्यू पास करवा रहे हैं, अगर अगर तो आप उसके अंदर कोई वैल्यू पास नहीं करवाएंगे तो इस फंक्शन, इस जो ये कंस्ट्रक्टर है इसको कॉल करेगा। अगर उसके अंदर आप स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू पास करवा रहे हैं ऑटोमेटिकली वो समझ जाएगा वो स्ट्रिंग इसको देनी है। अगर आप उसमें इंट टाइप की वैल्यूज पास करवा रहे हो वो ऑटोमेटिकली इस तरह के इंट टाइप के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। आगे इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं, इस एग्जाम्पल के अंदर चेक करें, एग्जाम्पल टू के नाम से मैंने क्या किया, एक प्रोग्राम ले लिया, इसके अंदर चेक करें एक प्राइवेट मैंने वेरिएबल लिया, ठीक है, प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर्स हैं ये, आगे आपको मैं समझाऊंगा क्या क्यों यूज करते हैं। पब्लिक एग्जाम्पल टू के नेम से हमने क्या कर दिया, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया, इसको मैंने पब्लिक किया हुआ है। तो आगे नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर मैंने क्रिएट किया है, जो सेकंड कंस्ट्रक्टर है वो एग्जाम्पल टू के नेम से एक और कंस्ट्रक्टर मैंने क्रिएट कर लिया, दो कंस्ट्रक्टर मैंने क्रिएट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्या आना है, नेक्स्ट हमारे पास जो इंट टाइप है, इंट नंबर है, सही है, यहाँ पे हम एक पैरामीटर पास करवा रहे हैं, यहाँ पे कोई पैरामीटर पास नहीं करवा रहे। और अब जो थर्ड वन है ये हमने गेट वैल्यू, जो कंस्ट्रक्टर की वैल्यू हमने पास करवाई है इसके अंदर, तो वो हम क्या कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं, सही है, जो मतलब सेव करवा दी वेरिएबल के अंदर, अब उसको प्रिंट भी करवाना है। तो इन टाइप का हमने फंक्शन बनाया, ठीक है, तो उसके अंदर हम वैल्यूज पास करवा रहे हैं।
नेक्स्ट हमारे पास मेन के अंदर क्या हुआ है, हमने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, ओबीजे और ओबीजे टू। फर्स्ट ऑब्जेक्ट के अंदर हम जो नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर इसको कॉल कर रहे हैं, इस वेरिएबल के अंदर 10 स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड जो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या वैल्यू स्टोर करवा रहा है, वो 100 पास करवा रहे हैं, ठीक है, और इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं, ठीक हो गया। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू पास हुई, ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो गई और इस ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू आके स्टोर हो जाएंगी। नेक्स्ट हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर गेट वैल्यू का फंक्शन कॉल करेंगे ओबीजे के थ्रू, तो वो क्या करेगा, जो ये फंक्शन था क्योंकि इसको हमने वैल्यूज पास करवाई थी, इसको कॉल करेगा। अगर तो हम करेंगे गेट वैल्यू का फंक्शन ओबीजे टू के नेम से, तो ये नेक्स्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और इसको प्रिंट करवाएगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। जो मैंने एक बात आपको बतानी थी कि लास्ट हमने वहां पे यूज किया है, कि मैंने एक बताना आपको भूल गया हूँ, कि कंस्ट्रक्टर के साथ जो हमने बनाया था पब्लिक लिखा है, वो पब्लिक लिख सकते हैं, पब्लिक और प्राइवेट का कंसेप्ट आगे मैं बताऊंगा। मैं आपको कंस्ट्रक्टर के साथ पब्लिक है, पब्लिक लगा सकते हैं, एक्सेस मॉडिफायर्स लगा सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। अब नेक्स्ट सेक्शन में मुलाकात होगी।